भले थोड़ा सा ठंडी लग रही है, उड़ते हुए जाती है, बहुत मस्त लगता है इसकी चाल। का मनोज डे ने क्लेम किया यूट्यूब को, बताया कि लड़का आया नहीं, लगता है अब कल ही पड़ेगा। हाँ ये तगड़ा ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर जिसको मेहनत करने में मजा आता है, बशर्ते आजकल के बड़के जानवर जो है वो घास बड़के जानवर मतलब फ्रेम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, कैसे हो आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। अभी बज गए हैं 9:15, मुझे आज चलना है खेत में, बहुत दिन हो गए खेत का काम नहीं कर पाया। मम्मी खाना बना रही है बाहर। जूली इधर आओ। अभी सुबह मम्मी ने आगे यहाँ पे चला दिया है। ओ मम्मी पानी भर रही है। चलो बाहर मम्मी। अभी मम्मी पैर धो के दबाना, ठीक है। हाँ चंदन के डिब्बे इसको पहले। हाँ ठीक है ना। अरे अरे बाबू चाहिए। ये टोपी भी हाँ, अब हो गया मैं तैयार। अब देखो चलो चलो जाओ घुमा देते, चलो जाओ, चलो आओ आ जाओ। देखो आज सुबह हमसे नाराज हो गई, बाहर थी, मैंने कहा चलो जल्दी से आओ उठो आ जाओ। जूली आओ। आ नहीं रही है, सुबह मुझसे घूमने के लिए कही है, मैं कचो अंदर बैठो, अब रुक नाराजों के अंदर बैठिए, चलो आओ आ जाओ। निकल आई बाहर, मैं जो निकला हूँ, चलो आगे। ठंडी चलो आगे चलो। इधर। चल जल्दी से चल आगे। चल दौड़ के। चलो गाय जी, ये सबका रोजाना ड्यूटी लगाती, कभी मम्मी का, कभी दीदी का, कभी मेरा, और कभी कभी तो स्वयं ही चले आते। और आजकल तो मैं सुबह कभी कभी मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, कभी कभी 5 बजे, तो सबसे पहले मेरे पास दौड़ के आ गई, चलो बाहर ले चलो। अब मैं नहीं जाऊँगा तो जाएगी नहीं, मम्मी ले जाएंगी, दीदी ले जाएंगी, तो ये नहीं जाएगी, इतनी बड़ी बुद्धिमान है ये, है ना। आप देखो पहले यहाँ का मौसम, आज कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, वहाँ के लोग आग भी सेक रहे हैं। और जूली चलो चलना है, अब अभी चलेगी नहीं, चलो चलो जल्दी चलो चलो घर चलो 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 घर चलो बच्चा नहीं देगी ना? नहीं बच्चा नहीं देगी ये, अब ये टहर ली घर चलेगी, दौड़ते हुए जाती है, बहुत मस्त लगता है इसकी चाल। चलो अंदर, वाह आ गई मम्मी ने आग यहाँ जला रखा है। ताबले थोड़ा सा ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा, और आज क्या है, आज मुझे चलना है खेत में खाद डालना, बहुत दिन लगता हो गया पानी चला है, पानी चलने के बाद खाद भी डालना है, खाद चलना खरीदना है, खाद खेत में डालना, धूप भी नहीं निकला है, धूप निकल जाता है अगर तो खेत में जब खाद डाला जाएगा बढ़िया रहता है। धूप का देखो, धूप एकदम कोहरा छाया हुआ है, आस पास भी यही है, 2 दिन शीत पड़ा है, 2 दिन से शीत पूरा पड़ रहा है, यानी 28-29 फिर फर्स्ट अब कोहरा पड़ना शुरू हो गया। बाजार देखो तो सन्नाटा है ना, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है ना। आज चलेंगे पैदल ही
चले देखते हैं दुकान खुली है कि नहीं खुली है, वहाँ जाकर हम खरीदेंगे खाद। कितना खाद लेना होगा सब पता चलेगा वहीं पर, मुझे जानने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग भी गेस करिए लगभग 8 बिस्सा में कितना पड़ता है, बता सकिए कमेंट में बताइए कितना पड़ेगा 8 बिस्सा में। उतना ही लिया जाएगा और खाद के साथ कुछ और भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्रिएटर इवेंट की वीडियो आपने देखा, बताइए कैसा लगा। कुछ लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा आखिर में गए कहाँ थे, तो चलिए बात कर लेते हैं, बता ही देते हैं कहाँ गए थे। जो हम ये वीडियो बनाते हैं ऐसे कुछ लोग भी चाहते हैं कि वीडियो बनाना, और कुछ लोग बस ऐसे ही मोबाइल पाए वीडियो बना दिया, और कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं प्रोफेशनल। वैसे मेरी वीडियो कैसी बनती है, प्रोफेशनल लगती है या ऐसे जैसे तैसे पाया अपलोड कर दिया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बी में क्रिएटर द्वारा वो इवेंट किया गया था जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर जिसको हम लोग टीवी पे देखते थे उनसे मिलने का मुझे मौका मिला, जैसे कि महात्मा जी, महात्मा जी टेक्निकल यानी कि अमरेश सर दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यूट्यूब ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, और टेक्निकल योगी जो यूट्यूब के बारे में बताते हैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाए, किस तरह से क्या कमियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। साथ ही में जुन्नू की टेक, उनसे भी मिलने का मौका मिला, वो भी टेक्निकल हैं, और बिहार के राजा ब्लॉग से भी मिला, बहुत अच्छा लगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे क्रिएटर थे जो वहाँ पर मिले, इन लोगों ने भी धीरे धीरे YouTube की जर्नी ऐसे ही शुरुआत की थी। ये सब लोग वीडियो बनाने का तरीका बताते हैं किस तरह से वीडियो बनाए, आपकी वीडियो में कौन सी कमी आती है, कौन सा गाना लगाए, क्या चीज़ करें, सब कुछ जानकारी मिलती है। तो फिर वहाँ से हम वापस मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो इवेंट होता है। और अभी अभी यूट्यूब ने खुद ही कुछ ऐसे ऐसे स्टेटों में जो है क्रिएटरों का मिलने के लिए, क्रिएटरों में उत्साहवर्धन करने के लिए इवेंट किए। जैसे अभी आपने देखा होगा मनोज डे ने बताया कि अपने वीडियो में कि कुछ ऐसे ऐसे स्टेट हैं जहां पर लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो हंसी वाला हो, चाहे फ़नी हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे मजाकिया हो, चाहे वो ज्ञान देने वाला हो या मेरे जैसा ब्लॉगर हो। जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ अपना डेली ब्लॉग, कहीं जाता हूँ तो वहाँ का भी वीडियो बनाता हूँ, कहीं आता हूँ तो भी, और घर का जो भी मैं करता हूँ सब सारा कुछ वीडियो बना के देता हूँ। तो इस तरह से मनोज डे भी जाकर के देखिएगा, मनोज डे ने क्लेम किया यूट्यूब को, बताया कि भाई झारखंड में भी ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको सीखने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलना चाहिए, तो वहाँ भी इवेंट करवाएं, वो सब उन्होंने कमेंट किया। तो यूट्यूब भी अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे लोगों को प्रमोट कर रहा है कि लोग आएँ और वीडियो बनाएँ। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर भी लोगों से मिल करके। साथ ही में जब हम लोग वहाँ से दिल्ली से आने लगे तो वी में क्रिएटर यानी कि अमरेश भाटी की तरफ से हम लोगों को कुछ गिफ्ट भी मिला आए, बहुत अच्छा लगा। जो लोग मुझे अभी नया देख रहे हैं और जो मुझे कई लोग बहुत पुराना देख रहे हैं बहुत पहले से, अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो कहाँ कहाँ की वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम वहीं वहीं की वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ आप भी सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त दुर्गेश सोनी। चौराहे पे अभी यहां पे सारे दुकानें बनती चल रही हैं, देखते हैं दुकानें सबकी खुलती हैं, है ना। घर से आगे ताप करके आया हूं, इतनी ठंडी लग रही है, क्या होगा, काम थोड़ी ना बंद होगा, काम तो होता ही रहेगा। दुकानें बंद है, इंतज़ार करना होगा मुझे, करने के बाद अब दुकानें सारी खुल गई। देखो ये देखो दुकानें खुल गई हैं, आगमन उतना नहीं है पर मौसम देखो, मौसम भी साफ़ हो गया कुछ इस तरह से, सूर्य भी निकल चुके हैं देखो। हाँ अब यहीं से हम खेत खाद लेने, दुकानदार को मैं बुला रहा हूँ, खोला भैया ले जिसम के दे खाद।
हाँ ठीक है, और जिंक दे दो, ठीक है। अमृत शक्ति 90 रुपया, वाह चलो ठीक है दे दो। चलते हैं पैदल ही, अभी देखते हैं गाड़ी कोई मिले तब चलें। दोस्तों खाद तो आ गया, फिर किसी का मैं इंतज़ार करता हूँ। आज धूप हुआ था, आज खाद डालना है, कोई नहीं मिल रहा है। क्या ये बाइक वाला, अभी इससे बोलता हूँ घर पे छोड़ने के लिए, शायद छोड़े। हाँ हाँ वो लड़का आया नहीं, लगता है अब कल ही पड़ेगा। आज करने का कोई नाम ही नहीं, क्योंकि शाम के बाद खाद पड़ता ही नहीं। अब कल देखते किसी और को बुलाएंगे। अभी बुलाता हूँ किसी को, अभी बबलू भैया को फ़ोन करता हूँ, बुलाता हूँ उनको। हेलो, हाँ भैया आए, चलिए चलते हैं। हाँ चलिए आइए, यहीं चलते हैं आपके साथ। तो आ रहे हैं बबलू भैया, अब चलते हैं उनके साथ, खाद ले लेंगे। ऐसे ही आएंगे, वो दिख रहे हैं वहाँ, दिख रहे हैं वहाँ पे, आ रहे हैं भैया। आहा क्या बात है, आ गया है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। वाह वाह बहुत अच्छी, जल्दी बहुत जल्दी आ गए फ़ोन करने पे। क्या क्या लाए हैं है? सब कुछ, कुछ। चलिए तब चलते हैं हम। अरे भैया खाद उठा लें अपना, ये रहा खाद, आ गए हैं तब समझे। क्या कला है? अच्छा जब घाम हो जाए बढ़िया तब खाद डाले चाहिए। हैं 2 बजे, चलो ठीक है। हम बैठे बनाए, बैठे बनाए। आ गया, बोलो आगे सीख रही हैं। ये देखो खाद आ गया, लाओ तगड़ा वगड़ा ले आओ खाद डालने के लिए। हाँ ये तगड़ा ठीक है, बड़ा है इतने में आ जाएगा। रखते हैं, इन्हें गाड़ी चलते हैं। जूली अब कितने रखबे करे भाई पे, रखा गया। चलिए समय हो गया, आज हम लोग खाद छोड़ने जा रहे हैं खाद। ओह आज चलेंगे बाइक से, क्या बात है, मौज आ रहा है। ओ धन कर रहा है, ये आ गया हमारा खेत। ओहो क्या बात है, तो चल मेड़ पे ला के रख दिया, मेड़ पे कहीं चलती नहीं है लेकिन चले आ, देखो चलिए 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 ढकेलते हैं पीछे, चलो हाओ 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 चल चल पापा बस 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 निकल दिए हैं चंदन जी के खेत के तरफ। यहाँ पे किसानी करते हुए, और ये देखिए अपने गेहूं के खेत में क्या निकाल रहे हैं, बनरनिया और बड़े गेहूँ निकाल रहे हैं, ये निराई कर रहे हैं। हैं देखिए कितना हरा भरा खेत है इनका। और काका का हाल चाल बा, खाद पड़ गई, कलियाँ पड़ल है। हाँ ये खेत की निराई कर रहे हैं, इसमें जो कतवार है और क्या कहते हैं और वो बथुआ है घास है उसी को निकाल रहे हैं। तो काका ये खेत कब से कब कितने बजे आप आए हैं, कब आए हैं आप निराई करने? 1 घंटा भाई, 1 घंटा हो गया इनको। और इनको पानी लाए हैं? पानी लाए हैं पीने के लिए, पानी लाए हैं, सब पानी भी लाए हैं। और देखिए ये पैर में, देखिए सुरक्षा के लिए पैर में बरसाती बांधे हुए हैं। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से जो काका हमारे जो है खेत की निराई कर रहे हैं, जिसमें खराब क्या ना घास फूस है उसको निकाल रहे हैं। और कह रहे बड़ा मज़ा आता है किसानी में, तो किसानी में वाक ही मज़ा तो आता है लेकिन बड़ी मेहनत है, मेहनत करने में ही मज़ा आता है। बसरते आजकल के जो जनरेशन है वो किसानी करने से दूर भागती है। आजकल सबको इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब चलाना है, तो वो करना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काका जी एकदम लगे हुए हैं और कितने बढ़िया से जो है अपने खेत को निराई कर रहे हैं। सो गाइस दैट देखें, और आप भी किसानी करिए,
क्योंकि किसानी से ही सब कुछ हो सकता है। अगर हम किसानी करेंगे ना तो खाएंगे क्या? तो आप लोग भी अगर हो सके तो खेत अगर ईश्वर ने दिया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ किसानी करिए, इससे आपका शरीर भी ठीक रहेगा और आप फिट रहेंगे और खाने के लिए अन्न भी उपजेगा। सो जय सिया राम। ये किसानी करने शुरू हो गए हैं चंदन सोनिया, बता रहे हैं किस तरह से छींटना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है, तो जैसे भैया बता रहे हैं वैसे हम छींटेंगे, है ना? वहाँ से शुरुआत, जहाँ बच्चे जा रहे हैं वहाँ से लेके आधा खेत से ऊपर भैया ने कर दिया एक किनारे से। गिरिएगा मत, हाँ चाहे कुछ हो जाए गिरना मत। किसानी करते हुए खेत में डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किसानी कर लेते हैं, हमको तो पता नहीं इसके विषय में, कब से कर लेते हैं भैया? हो गया चार साल। चार साल? चार साल। क्या बोए अपने खेत में आप? हमने गेहूं बोया है। गेहूं कितना बिस्सा? दो बीघा बोए हैं। दो बीघा में कितना गेहूं डाले आप? दो बीघा में 40 किलो गेहूं डाले हैं। और खाद? खाद डाले हैं 30 किलो। 30 किलो खाद दो बीघा में? तब तो मुझसे आप कम ही डाले खाद। हाँ, की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश का किसान, मेरे देश के डॉक्टर साहब, ओ हो हाँ। बैलों के घरे में जब घुघरू का सुनाते हैं? बैलों के गले में जब घुघरू जीवन का राग सुनाते हैं, हो वाह क्या बात है, मजा आ गया। दूरे 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 दूर फेंका। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, मामला फिट है, मामला फिट है। और लेके हाँ मारा, बढ़िया बढ़िया कुलोरियन। हाँ मारा तो चबकल है। हाँ दूरे हर आब है। हाँ चबका ला चबका ओहर ना मारे बीचों, हम खाली मारे बीचों, हम ओहर मन ले फटाफट मारे, किस ऐसा मिलेगा नहीं, समझ लेना एडवांस रहेगा। नहीं मिला अगली बार मिलेगा ना। बीच 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 में हाँ आज ये खेत में खाद का संपन्न हो गया। खेत में संपन्न हो गया खाद का लास्ट। हरी है, गर्मी आ गया। अरे गर्मी आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। देखिए पैर, देखिए पैर, देखिए पैर, देखिए पता नहीं चला उंगली कहाँ है कहाँ क्या है, इतना इतना भी गीला है खेत। चलो चलो भैया, चलो हो गया। तो सो गाइस, हम लोग चल रहे हैं अब हाथ धुलने। तो भैया हम दोनों लोग खेत में खाद छिड़ करके चले आए। अरे भैया अरे देखा था नलबा धोले, नलबा धोले अपन हाथ मुँह, ये नल सबका जो जुगावन है। तो बबलू भैया आ गए अपना हाथ पैर धुल के, हम भी अपना हाथ पैर धुल के आ गए। हम लोग चल रहे हैं अपने, अब हम चल रहे हैं बबलू भैया के खेत में। हाँ, अभी तो मेरा खेत था, क्या क्या करेंगे आपके खेत में? चल रहे देखने, खाद डालें, देखें खाद कैसा लगा है, कहीं जानवर तो नहीं आके मेरा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बस वही देखना है और क्या देखना है। चलिए आपके खेत में चलते हैं। समय में लोग जानवर हैं और बड़के जानवर जो है वो घास निकालने वाले, जो महिलाएं कुछ घास निकालने के चक्कर में वो गेहूं खराब कर देती थी, इसलिए वो भी देख लें। क्या बात है, चलिए इनके खेत में चलते हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, खेत वाली किसान वाली वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बाखैर, नए साल में खुशियां बांटें।